हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एसपी लेसन कॉम्पिटेटिव एग्जाम। सो बच्चों, हमारी सीरीज चल रही है फाइनल टेस्ट सीरीज फॉर नीट 2021, जिसमें बच्चों आज का टेस्ट नंबर 10 है ये, और इसमें टॉपिक है बच्चों वापस वही मॉडर्न फिजिक्स। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं बच्चों, तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और ये जो बच्चों न्यू पैटर्न पर बेस्ड है, जो अभी न्यू पैटर्न आया है एनटीए का, उस पर बेस्ड टेस्ट सीरीज है। ओके, सो अगर आप इस चैनल पर नए हो बच्चों, तो इसको शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। सो क्वेश्चन नंबर वन इज दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज 4h/2π, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज। अब बच्चों, जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, आप सबको पता है nh/2π होता है। ओके, अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू कितनी है बच्चों आपके पास, 4। बस n आ गया तो आप काइनेटिक एनर्जी इजीली निकाल सकते हो। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है बच्चों कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 13.6 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एन की वैल्यू रख दोगे बच्चों आप 4, एन की वैल्यू रख दोगे आप 4, तो यहाँ 13.6 डिवाइडेड बाय 16 हो जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू 1 से कम आएगी बच्चों, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है 1 से कम आपको, 0.85। इसका मतलब ये आप इजीली क्रैक कर सकते हो इस क्वेश्चन को। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ फोटोन एनर्जी इज नियर अबाउट 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन इट कॉज द सनबर्न टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ह्यूमन स्किन, द कॉरस्पॉन्डेंस टू द वेवलेंथ इन द रेंज। अब कौन से रीजन में होगी बच्चों, ये आपको बताना है। ओके, तो लेमडा क्या होता है बच्चों, लेमडा का फॉर्मूला होता है HC/E, राइट। अब आपको लेमडा निकालना है, तो आप इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज करोगे तो आ जाएगा 12,400 एंगस्ट्रॉम। ओके, एंड डिवाइडेड बाय जो भी एनर्जी है वो किसमें होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ही हो गया 3.5। अब इसको आप सॉल्व करोगे बच्चों, ये आपके पास आएगा 3540 एंगस्ट्रॉम। ये कौन से रीजन की है बच्चों, ये यूवी रीजन है। ओके, तो ये जो वेवलेंथ का जो रेंज है ये यूवी रीजन में दिखता है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आ गया आपके पास, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द रेडियस ऑफ द शॉर्टेस्ट ऑर्बिट इन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज 18 पिकोमीटर, इट मे बी, आपको बताना है ये क्या होगा। ओके, सो आपको पता है बच्चों आर इक्वल्स टू क्या होता है, आर इक्वल्स टू क्या होता है, आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। आर इक्वल्स टू होता है आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। यहाँ आर नॉट की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 53 पिकोमीटर। तो ये आपने यहाँ रख दिया 53 पिकोमीटर। ओके, और आपको जो रेडियस दे रखी है बच्चों वो कितनी दे रखी है, 18 पिकोमीटर दे रखी है। और n की वैल्यू बच्चों क्या है, रेडियस ऑफ द शॉर्टेस्ट, मतलब n वैल्यू कितनी है बच्चों, 1। ये हो गया 1 का स्क्वायर, और आपको निकालना है z, और रेडियस कितनी दे रखी है बच्चों आपको, 18 पिकोमीटर। सो z किसके इक्वल आ गया बच्चों, 53/18। ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आ गया बच्चों, 3 के। और 3 किसके लिए होता है बच्चा जी, लिथियम के लिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों, देखो, द सिंपल बोर मॉडल कैन नॉट बी डायरेक्टली अप्लाई टू द कैलकुलेट द एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम विद मेनी इलेक्ट्रॉन, दिस इज बिकॉज। बच्चों इलेक्ट्रॉन जो है सेंट्रल फोर्स नहीं करता, द इलेक्ट्रॉन नॉट बीइंग सब्जेक्ट टू अ सेंट्रल फोर्स, इसलिए आप उसको डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हो, बिकॉज इन एटम विद मेनी इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट बीइंग सब्जेक्टेड टू वन सिंगल सेंट्रल फोर्स। तो इस वजह से क्या हो सकता है बच्चों, कि द इलेक्ट्रॉन नॉट बीइंग सब्जेक्ट टू अ सेंट्रल फोर्स, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द शॉर्ट इफ द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन इज लैम्डा। ओके, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर के लिए आप निकालोगे बच्चों, तो आप यूज करोगे 1/λ इक्वल्स टू आर 1/4 माइनस 1/9। ओके, तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 5R/36। नेक्स्ट कह रहा है बच्चों, देन द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड लाइन ऑफ द सीरीज, मतलब लैम्डा 2 निकालना आपको। सो 1/λ2 इक्वल्स टू, वो किसके इक्वल आ जाएगा, आर 1/4 माइनस 1/16। आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों आपके पास कितना आ जाएगा, ये 3R/16। तो लेमडा 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 16/3R। ओके, अब बच्चों यहां से जब आप वैल्यू देखोगे, मैंने इन दोनों का अगर आप रेशो लोगे, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, वो आ गई 36/3।
5 आर। तो लेमडा 2 अपॉन लेमडा करोगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 16 अपॉन 3 आर डिवाइडेड बाय 36 अपॉन 5 आर। बच्चों आर से आर कैंसिल आउट हो गया, ये 3 नीचे आ जाएगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये 80 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 3 आ जाएगा। अगर आप इसको देखोगे बच्चों, ये आ जाएगा 20 अपॉन 27, मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो बच्चों, कुछ नहीं करना, रेशो लेना है बस। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन कह रहा बच्चों, द डायग्राम शोज द एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सर्टेन एटम, विच ट्रांजिशन शोन रिप्रेजेंट द इमिशन ऑफ फोटोन विद द मैक्सिमम एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी की बात करते हैं बच्चों, सुनो, मैक्सिमम एनर्जी कब होगी, यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ ये 1 से 4 में जा रहा है, यहाँ ये 4 से 2 में आ रहा है, ये 4 से 2 में आ रहा है, ये यहाँ 2 से 1 में आ रहा है। तो बच्चों फर्स्ट ट्रांजिशन शोज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फोटोन, फर्स्ट वाले में तो एब्जॉर्प्शन होगा, ओके, एंड अदर 3 जो है वो बच्चों वो किस क्या कर रहे हैं, इमिशन ऑफ फोटोन को शो कर रहे हैं। फर्स्ट वाले में तो एब्जॉर्प्शन होगा, अदर 3 में मतलब सेकंड थर्ड और फोर्थ में क्या होगा, इमिशन होगा। तो ट्रांजिशन 4 का आप देखोगे बच्चों, जिसमें एन इक्वल्स टू 2 से एन इक्वल्स टू 1 में आ रहा है, इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होगी बच्चों, ओके, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है बच्चों, हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट कम्स टू द ग्राउंड स्टेट बाय इमिटिंग अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, इफ आर इज द रिडबा कांस्टेंट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताना आपको। तो फॉर्मूला यूज करो, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू आर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ओके। अब बच्चों n1 की जगह आप क्या पुट कर दोगे, 1 पुट कर दोगे, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू आर 1 बाय 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होगा, माइनस 1 अपॉन n2 की जगह पुट कर दोगे n, ओके, ये n की वैल्यू आपको निकालनी है कितना आएगा, ओके, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ n एक्साइटेड स्टेट ये आपको निकालना है। सो अब अगर आप इसको देखोगे बच्चों, तो ये हो गया 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू आर, अंदर मल्टीप्लाई करोगे आर अपॉन एन स्क्वायर, ओके। अब आर अपॉन एन स्क्वायर को यहाँ भेजो बच्चों, तो आर अपॉन एन स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा बच्चा पार्टी, वो हो जाएगा आर माइनस 1 अपॉन लैम्डा, ओके। तो आर अपॉन एन स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, लैम्डा आर माइनस 1 अपॉन लैम्डा। सो एन स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, लैम्डा आर अपॉन लैम्डा आर माइनस 1, तो इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो ये एन की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा आर अपॉन लैम्डा आर माइनस 1। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चों, मेरे को फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है बच्चों, V1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज, सीरीज लिमिट मतलब लास्ट, V2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, एंड V3 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीरीज लिमिट ऑफ वार्मर सीरीज, देन आपको रिलेशन बताना है, ओके। तो न्यू 1 जब आप लिखोगे बच्चों, वो किसके कॉल हो जाएगा, RC 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो न्यू 1 किसके इक्वल आ गया बच्चों, वो आ गया आपके पास RC के इक्वल। न्यू 2 जब आप लिखोगे बच्चों, तो न्यू 2 की वैल्यू आ जाएगी RC 1 अपॉन 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर मतलब 1/4, ये आ जाएगा आपके पास 3 RC/4। तो न्यू 2 कितना आ गया आपके पास, 3 RC/4। इसी तरह से अगर आप न्यू 3 देखोगे बच्चों, तो न्यू 3 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा RC 1 अपॉन 2 का स्क्वायर मतलब 1/4 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो न्यू 3 किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा आपके पास RC/4। अब सोचो बच्चों, अगर मैं न्यू 1 और न्यू 3 को जोड़ देता हूँ, अगर मैं न्यू 1 और न्यू 3 को जोड़ देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, न्यू 1 आ जाएगा, जैसे न्यू 2 और न्यू 3 को जोड़ो बच्चों आप, 3 RC/4 + RC/4, तो वो किसना आ जाएगा बच्चों, 1 बन जाएगा 3/4 और 1/4 करके, तो न्यू 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, न्यू 2 प्लस न्यू 3। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द लोएस्ट ऑर्बिट कॉरस्पॉन्ड टू, अब बच्चों एक चीज सोचो, लोएस्ट ऑर्बिट में क्या होगा, मिनिमम एनर्जी होगी, बिकॉज आप सोचो E1 जो होगा वो क्या होगा बच्चों, -13.6 1 का स्क्वायर मतलब n स्क्वायर,
तो ये आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लोएस्ट ऑर्बिट में क्या होगा बच्चों, मिनिमम एनर्जी होगी, बिकॉज अगर आप 2 रखोगे तो ये चीज माइनस में कम होगी, इसका मतलब प्लस में बढ़ेगी। तो लोएस्ट ऑर्बिट में क्या होता है बच्चों, मिनिमम एनर्जी होती है। ओके, गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। लाइमिन सीरीज इन यूवी रीजन, बिल्कुल सही बात है बच्चों, लाइमिन सीरीज यूवी रीजन में ही बनती है। बामर सीरीज जो होती है बच्चों मोस्टली विजिबल रीजन में बनती, मोस्टली। ओके, और फुंड सीरीज जो होती है बच्चों वो बनती है फार इंफ्रारेड रीजन, फार इंफ्रारेड रीजन सही है बच्चों। और पाश्चन सीरीज जो होती है बच्चों वो इंफ्रारेड रीजन में बनती है, ना कि यूवी रीजन में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वही रॉन्ग है। ओके, गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है बच्चों आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन होने चाहिए। आइसोटोप के लिए क्या कंडीशन होती है बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो सेम होते हैं। आइसोटोप के लिए अगर आप कंडीशन देखोगे फॉर आइसोटोप, तो क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, सेम होंगे, मतलब Z1 = Z2। फिर बात करते हैं बच्चों आइसोबार के लिए। आइसोबार के लिए क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन सेम होते हैं। किसके लिए बच्चों, आइसोबार के लिए बात कर रहा हूं मैं। आइसोबार के लिए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। फिर बात करते हैं बच्चों आइसोटोन के लिए। आइसोटोन में क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं आइसोटोन में। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, A1 - Z1 = A2 - Z2, ये सेम रहता है। ओके, सो A1 - Z1 = A2 - Z2 रहता है। अब ये कौन से ऑप्शन दिख रहा है बच्चों, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, इसका मतलब ये आइसोटोप है। ओके, इधर देखोगे बच्चों तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3, मतलब दोनों में A1 A2 सेम है, इसका मतलब ये आइसोबार है। तो यहाँ देखोगे बच्चों तो 197 में से 79 घटाओ, चाहे 198 में से 80 घटाओ, सेम आएगा, मतलब A1 - Z1 = A2 - Z2, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉट परसेंटेज ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज लेफ्ट आफ्टर 6 हाफ लाइफ। तो बच्चों डायरेक्टली ट्रिक है इन क्वेश्चन के लिए, तो N/N0 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/2 T/T½। वो कितना दे रखा आपको, 6 हाफ लाइफ दे रखी है। ओके, सो एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, N0/64। ओके, सो परसेंटेज में देखोगे बच्चों आप, अगर इसको 100 मानते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 100/64, मतलब 1.56%, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन बिटवीन टू न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, सबके बीच में बच्चों सेम रहता है, चार्ज पे इंडिपेंडेंट रहता है, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सब पर सेम काम करता है बच्चों, ये चार्ज पे क्या रहता है, इंडिपेंडेंट, चार्ज इंडिपेंडेंट है बच्चों, ये चार्ज पे डिपेंड करता ही नहीं है। ओके, सो गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिथियम न्यूक्लियस हैज 3 प्रोटॉन एंड 4 न्यूट्रॉन। मास ऑफ लिथियम न्यूक्लियस दे रखा आपको इतना, मास ऑफ प्रोटॉन इतना दे रखा है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इतना दे रखा है, तो मास डिफेक्ट बताना आपको कितना आएगा बच्चों। सीधा सिंपल सा सवाल है कि डेल्टा एम किसके इक्वल होता है, वो किसके इक्वल होगा बच्चों, 3 × मास ऑफ प्रोटॉन Zmp प्लस A - Z मीन्स 4 mn और माइनस mLi, ये मास डिफेक्ट आ गया। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो, मास ऑफ प्रोटॉन ये रहा बच्चों, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो, मास ऑफ न्यूट्रॉन बच्चों ये रहा, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो, और मास ऑफ लिथियम बच्चों ये रहा, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो। इन सबको सोल्व करोगे आपके पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 4, 0.040486। और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना बच्चों, बाकी मल्टीपल करना तो आना चाहिए आपको। ओके, गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ लॉन्ग कैन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 500 वॉट कैन बी केप्ट ग्लोइंग बाय फ्यूजन ऑफ 2 kg ऑफ ड्यूटेरियम। ओके, तो 2 ग्राम ड्यूटेरियम में आपको पता है बच्चों एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होगा। ओके, तो ये हो गया 6 × 10³, 23 एटम। ओके, ये 2 kg ड्यूटेरियम में, 2 ग्राम में सॉरी। अब 2 kg में तो आपको निकालने पड़ेंगे,
ओके, 2 kg में कितना आ जाएगा बच्चों, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 × 10⁻²⁶ एटम आ जाएगा। ओके, ये मोल कंसेप्ट का फंडा है बच्चों। ओके, अब ई टोटल जब आप निकालोगे, दो ड्यूटेरियम के फ्यूजन से बनेगी बच्चों, मतलब कितना हो जाएगा 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो ई टोटल कितना आ गया बच्चों, ये दो ड्यूटेरियम की है, ई टोटल आप देखोगे बच्चों वो कितना आ जाएगा 3.27 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6 × 10⁻²³ एंड 26, बिकॉज 2 kg का लिख रहे हो बच्चों आप, तो ये आ जाएगा 26 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 × 10⁻³⁻³। ये जूल आ गया बच्चों। तो इस टोटल एनर्जी जो जूल में आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1.5756 × 10⁻¹⁴। ओके बच्चों, ये जूल में आ गई। अब टाइम आपको निकालना है कितना आएगा, तो वो क्या लिखाओगे बच्चों, ई टोटल डिवाइडेड बाय पी टोटल। तो ई टोटल तो बच्चों ये रहा आपके पास, और पी टोटल कितना आ जाएगा, 500 दे रखा आपको, ये 500 आ गया, तो ये आएगा 3.15 × 10⁻¹ⁱ, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइक एन एटम व्हेन ए न्यूक्लियस इज इन एक्साइटेड स्टेट स्पॉन्टेनियसली डिके इनटू द ग्राउंड स्टेट एंड फोटोन इमिटेड विद एन एनर्जी ऑफ, तो एनर्जी बतानी है आपको बच्चों, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होती है, बिकॉज न्यूक्लियर एनर्जी लेवल जो होता है, एनर्जी डिफरेंस कितने का होता है बच्चों, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर फॉर्म में। सो ऑप्शन नंबर 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट चूज करना आपको। द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बीटा माइनस डीके इज अकंपनीड बाय द इमिशन ऑफ एंटी न्यूट्रिनो। सही बात है बच्चों, बीटा माइनस में एंटी न्यूट्रिनो निकलता है और बीटा प्लस में न्यूट्रिनो निकलता है, ये सही बात है, दोनों करेक्ट ऑप्शन है। फ्री न्यूट्रॉन अनलाइक अ फ्री प्रोटॉन इज अनस्टेबल, बिल्कुल सही बात है बच्चों। इन बीटा डीके एटॉमिक नंबर जेड रिमेन अनचेंज, नहीं बच्चों गलत है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। बीटा डीके में चेंज होता है बच्चों, या तो 1 से बढ़ जाता है या 1 से कम हो जाता है, वो डिपेंड करता है बीटा माइनस हो रहा है कि बीटा प्लस हो रहा है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 इज इनकरेक्ट। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये काफी अच्छा सवाल है बच्चों, ध्यान से देखना सवाल को। द रेट टू रेडियोएक्टिव सब्सटेंस ए एंड बी हैव डीके कांस्टेंट 4 लैम्डा एंड लैम्डा, ए टी इक्वल्स टू 0, दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ए एंड बी व्हिच इज इक्वल टू 1 अपॉन ई स्क्वायर आफ्टर ए टाइम ऑफ इंटरवल। सो एन ए जब आप लिखोगे वो किसके इक्वल आएगा बच्चों, एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, मतलब माइनस लैम्डा 1 टी 1 विच इज इक्वल टू, अब लैम्डा कितना दे रखा बच्चों 4 लैम्डा, तो एन ए किसके इक्वल आ जाएगा, एन नॉट ई की पावर माइनस 4 लैम्डा टी वन। ओके, अब जब आप एन बी लिखोगे बच्चों तो वो लिखोगे एन नॉट ई की पावर माइनस, अब इसकी लैम्डा वैल्यू कितनी दे रखी, लैम्डा ही है, मतलब माइनस लैम्डा टी टू। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर आपके पास आ गई 2। ओके, नाउ दोनों का रेशो अगर आप लेते हो बच्चों एन ए अपॉन एन बी विच इज इक्वल टू एन नोट से एन नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई की पावर आपके पास बच जाएगा माइनस, बाहर ले लोगे आप, आपके पास क्या बन जाएगा 4 लैम्डा टी वन माइनस लैम्डा टी टू, ये आ गया बच्चों आपके पास। अब माइनस लैम्डा, आप माइनस तो कॉमन ले रखा आपने, लैम्डा और कॉमन ले लो बच्चों, तो एन ए अपॉन एन बी किसके इक्वल आ जाएगा, ई की पावर माइनस लैम्डा आपने कॉमन ले लिया। ओके, और यहां पर कितना बच गया बच्चों अंदर 4t1 माइनस t2। ओके, अब आप क्या करोगे बच्चों, एन ए अपॉन एन बी का जो रेशो दे रखा है वो आपको दे रखा है 1/e², मतलब इसको लिख दोगे आप e की पावर माइनस 2। अब इसको यहां से अगर आप कंपेयर करोगे बच्चों तो 2 किसके इक्वल आ गया बच्चों, यहां पर देखोगे t1 और t2 तो दोनों बराबर हैं बच्चों, तो 4t माइनस t कितना आ गया, 3t आ गया, तो 2 किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 किसके इक्वल आ गया, लैम्डा इंटू 3t, तो टी किसके इक्वल आ जाएगा 2/3 लैम्डा। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी काफी अच्छा सवाल है बच्चों,
इफ द न्यूक्लियस एक्स जेड ए हैज रेडियस ऑफ अबाउट 3.6 फर्मी देन जेड वन ए टू वुड बी, अब ए टू ए वन में आपको रिलेशन दे रखा है तो डायरेक्टली आप रेडियस का फॉर्मूला यूज कर सकते हो उसमें कि आर इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आर नॉट ए की पावर 1/3। ओके सो आर वन अपॉन आर टू किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा आर नॉट से आर नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, वो हो जाएगा ए वन अपॉन ए टू की पावर 1/3। ओके बच्चों, तो यहाँ से ए वन अपॉन ए टू का रेशो लोगे वो कितना आ जाएगा बच्चों, 27 डिवाइडेड बाय, यहाँ से ए वन अपॉन ए टू का रेशो लो तो कितना आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 125। तो अगर उसका आप क्यूब रूट करोगे तो इसका आर वन अपॉन आर टू किसके इक्वल आ जाएगा, इसका क्यूब रूट करोगे 3, इसका करोगे 5, 3/5। तो आर टू किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 5/3 आर वन, आर वन की वैल्यू आपको दे रखी है 3.6, तो ये 5 × 1.2 ये आ गया 6 फर्मी, मीन्स ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ओके गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल मेजर, काउंट दे रखिए बच्चों आपको इतना इतना है, एंड एन नॉट अपॉन ई स्क्वायर काउंट टी इक्वल्स 10 मिनट पे है, तो टाइम मिनट में बताना आपको जिस पे रिड्यूस हो जाएगी एक्टिविटीज की हाफ। तो कुछ नहीं करना बच्चों, टी इक्वल्स टू 0 पे आपको क्या दे रखा है, टी इक्वल्स टू 0 पे दे रखा है आपको ए इक्वल्स टू ए नॉट, अब ये कैसे लिखते हैं बच्चों देखो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक्टिविटी का, ए इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। t इक्वल टू 0 पर a इक्वल टू a नॉट हो जाएगा, t इक्वल टू 10 पर कितना आ जाएगा, इसमें 10 रख दो तो a इक्वल टू a नॉट e की पावर माइनस लैम्डा 10 या 10 लैम्डा लिख सकते हो आप कुछ भी। सो ये जो दे रखा है बच्चों ये कितना दे रखा है आपको, t इक्वल टू 10 पर a नॉट अपॉन e स्क्वायर। ओके सो a नॉट अपॉन e स्क्वायर वो हो जाएगा a नॉट के e की पावर माइनस 10 लैम्डा। ओके सो अगर आप ए नोट से ए नोट कट गया बच्चों, ई की पावर माइनस टू जो आ गया वो किसके इक्वल आ गया, ई की पावर माइनस 10 लैम्डा के, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, लैम्डा किसके इक्वल आ गया बच्चों 1/5 के। ओके अब टी हाफ क्या होता है बच्चों, टी हाफ होता है वो होता है एल एन टू अपॉन लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 1/5, मतलब आंसर आ गया 5 ln2 मीन्स लॉग ई बेस में, मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चों, थैंक यू।